यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल उफान पर। यूपी में टल सकती है उपचुनाव की तारीख, दो दलों ने की मांग। बीजेपी और उसकी सहयोगी आरएलडी ने क्यों रखी ये खास मांग। दोनों दलों ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंप कर जताई है चिंता। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरह चढ़ चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को वोटिंग होगी, लेकिन इस बीच उपचुनाव की तारीख में बदलाव की मांग भी हो रही है और ये मांग की है बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी ने। दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर तारीख बदलने की मांग की। चुनाव आयोग से मिले प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला, संजय राय, राम प्रताप सिंह चौहान और चुनाव आयोग संपर्क विभाग के प्रदेश संयोजक अखिलेश कुमार अवस्थी शामिल थे। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। आयोग इस मांग पर विचार करेगा और यदि मांग उचित हुई तो तारीख में बदलाव हो सकता है। दरअसल दोनों दलों के नेताओं ने चुनाव आयोग को बताया कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर को घोषित की गई है, जबकि कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर्व 15 नवंबर को है। उत्तर प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर्व और पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोग स्नान और पूजा करने जाते हैं। गौरतलब है कि इस कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लोग कुंदरकी, मीरापुर, गाजियाबाद और प्रयागराज पहुंचते हैं। मेले में भाग लेने और पूजा करने के लिए लोग कम से कम 3 से 4 दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि इसके कारण अधिकांश मतदाता मतदान से वंचित हो सकते हैं। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग शत प्रतिशत मतदान के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा के कारण उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रह सकता है, इसलिए उपचुनाव की तारीख 13 की बजाय 20 नवंबर को करना ठीक होगा। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जंग तेज हो चुकी है। मुख्य मुकाबला सत्ताधारी बीजेपी और एसपी के बीच है। इन 9 सीटों में 7 पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जबकि 2 सीटें उसने अपने सहयोगी दल कांग्रेस को दी है। वहीं बीजेपी की ओर से भी अभी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। बीजेपी नेताओं की माने तो जल्दी सूची जारी कर दी जाएगी। ये उपचुनाव आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। वास्तव में इन उपचुनाव में सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इन उपचुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। लोकसभा चुनाव में करारा झटका लगने के बाद उसके सामने कमबैक करने की चुनौती है, तो वहीं शानदार प्रदर्शन करने के बाद सपा के हौसले बुलंद है। अब देखना है कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।